हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। जिला ललितपुर ब्लॉक महरौनी के गांव रुकवाहा में खड़े हुए हैं। यहां पर सफाई कर्मी तैनात तो है, पर यहां पर सफाई नहीं हो रही है। सफाई ना होने से कई प्रकार की बीमारियों का सामना करने पड़ रहा है और कई प्रकार की दिक्कतें हो रही हैं। जो दरवाजे पर गंदगी फैली रहती है, वो खुद ही स्वयं लोग अपने दरवाजे की सफाई करते हैं। तो आपके इस मोहल्ले में क्या सफाई कर्मी कभी आता है? गंदगी होने से क्या क्या दिक्कतें होती हैं? मच्छर सच्चा काटा तो कुआ कहो कीचाड़ बड़ा दुनिया भाई। 8 दिन में 7 दिन में आए से आओ थे और फिर जाए कि फिर सब का जा फिर भी गंदगी जाए कि वही। कुछ लोग सफाई कर्मी दमंग से डरने के भय से बोलना नहीं चाह रहे हैं कि हम उसकी बुराई क्यों करेंगे, क्योंकि उसे उससे भी हमारा काम पड़ता है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाँ, हमारे इस मोहल्ले में सफाई कर्मी नहीं आता है, जिससे हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। हम तो पनी आप क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? उनकी बुराई का हम करें, हम नहीं कर सका। जे हमें गड्ढा उखड़वाने पैसा दे दी तो हम नहीं उनकी बुराई कर सका भाई। जो कोई जा जैसी क्या करे, हम पे उन पे काम पड़ने, उनकी बुराई का करें। कहाँ लगी मोह चलावे, क्या काम पड़ना है उससे? हम शौचालय की आ गई हमारे की बंद है तो बाय आ गई हमारे। तो जैसे हम तो नहीं जैसे वो तो मैं तो मैं कहीं झारा तो जैसे हम तो गड्ढा उखवाऊंगी पैसा दे के हमें बनो गड्ढा उखवाऊंगी उनकी बुराई का करें। उनकी बुराई ना तो फिर बुराई का दें सुबह हम नहीं यहाँ काम करें। बीमारी हो जे का मोड़ी मोड़ा ढोबे सब बीमार हो रहा आदमी। इसको लेकर के आप लोगों ने कहीं शिकायत की है क्या? हम तीनों जहाँ शिकायत कर रहे, कोई नहीं सुना। क्यों नहीं सुनते हैं, क्या कारण है इसका? अरे वो पैदाओं को पैसा वैसा दे देते नहीं आते। आपके इस मोहल्ले में कितने दिन में आता है? अब जो तो गांव इन्हन से पूछ लो, महीना में 15 दिन में आओ, एक आध भी आओ बस कई लोग भग गो आता है 2-2.5-3 महीना में एक आध 2-4 बार। तो क्या सफाई हो रही है? कैसी सफाई हो रही है, गंदगी नहीं मची सब रह गई। गंदगी होने से आप लोगों को क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? जब दिक्कतें देखा, मच्छर पैदा होते हैं कहीं कुछ भी कीटाणु होते हैं, वो क्या है? खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।